नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा के गोहाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, किसान, जवान के मसले पर विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर अनुच्छेद 370 को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को ना तो भारत की एकता की चिंता है, ना ही संविधान की चिंता है। जिनको माँ भारती की चिंता नहीं है, उनकी चिंता हरियाणा कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैं आपका आशीर्वाद लेने नहीं आ पाया था, लेकिन बीजेपी को पूरी सीटें मिली। जिनको भ्रम था कि वो पूरे क्षेत्र के मालिक हैं, उनका भ्रम जनता ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जीने वालों के लिए हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि अखाड़ा चाहे कुश्ती का हो या फिर सीमा पर खड़े होने का, हरियाणा का नौजवान हमेशा तैयार रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि क्या देश हित में हमें फैसला नहीं लेना चाहिए? हरियाणा की भावना को कांग्रेस और उसके दल समझ नहीं पा रहे हैं। 5 अगस्त को क्या हुआ था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू किया। 70 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो रुकावट थी, उसे हमने 5 अगस्त को हटा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब से हमने ये फैसला लिया है, तभी से कांग्रेस और उसके साथियों के पेट में दर्द हो रहा है और कोई दवा काम नहीं कर रही है। कांग्रेस के पेट में दर्द उसकी लाइलाज बीमारी बन गया है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होती है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट का नाम लेते ही कांग्रेस छटपटाने लगती है। देश को पता है कि कांग्रेस को दर्द क्यों होता है। कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तान के काम आ रहे हैं। INX मीडिया केस में CBI ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। CBI ने अपनी चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में वित्त मंत्रालय के 4 पूर्व अफसरों का भी नाम है। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली की कोर्ट में 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने PMC बैंक से नकदी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे इसके खाता धारकों की अपील पर विचार करने से मना कर दिया है। जी हां, SC ने कहा कि PMC बैंक के खाता धारक राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति NV रमन्ना, R सुभाष रेड्डी और BR गवई की पीठ ने यह आदेश दिया। दिल्ली में दिवाली के बाद 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू होने वाला है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पराली जलाने समेत कई अन्य कारणों की वजह से 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू किया जा रहा है। इस दौरान दूसरे राज्य से आने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा। यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू नहीं होगा, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री पर भी लागू होगा। हालांकि इसमें दोपहिया वाहन को छूट दी गई है। इतना ही नहीं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कल दिल्ली के चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में एक व्यक्ति घुस गया। सुरक्षा कर्मी और बचाव दल ने इस व्यक्ति को निकालने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उस व्यक्ति ने बाहर आने से मना कर दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने शेर का ध्यान भटकाकर बाड़े के दूसरे हिस्से में किया और फिर जाकर उस व्यक्ति की जान बचाई। NCP प्रमुख शरद पवार ने कल कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आमतौर पर यह ध्यान रखते थे कि उनके फैसले से कोई नाराजगी नहीं हो, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी फैसले के क्रियान्वयन के मामले में प्रभावी और कठोर हैं। पवार ने कहा कि भाजपा के दिग्गज नेता के प्रति लोगों के बीच कहीं अधिक सम्मान था। आपको बता दें कि वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान पवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल आर्टिकल 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए बिल के समर्थन में वोट दिया था और हमारी पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के PMC बैंक संकट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने पर मनमोहन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ विपक्ष पर दोष मढ़ने में जुटी है, समाधान ढूंढने में विफल रही है। मुद्रास्फीति की घटती दर, किसानों पर संकट, सरकार की आयात निर्यात नीति से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के संकल्प पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने के वादे ने राजनीतिक बयानबाजी को हवा दे दी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में यह वादा शामिल किए जाने के बाद कांग्रेस ने तुरंत इसका विरोध किया, लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने याद दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार पहले सावरकर के नाम से पोस्टल स्टैम्प
जारी कर चुकी है। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने NRC का समर्थन करते हुए उसकी खामी गिनाई और बैंकिंग सिस्टम पर अपनी सरकार की गलती स्वीकारते हुए मौजूदा सरकार से जवाब मांगा। हाल ही में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सावरकर को भारत रत्न देने पर कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के एक साजिशकर्ता को कैसे भारत रत्न देने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आप सावरकर को दे रहे हैं तो नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न दें। इस बीच सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सावरकर की अनुयायी थी। उन्होंने कहा कि ओवैसी को सावरकर के इस विश्वास का पालन करना चाहिए कि धर्म को अपने घर में रखें। जब आप बाहर निकलें तो आप हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, लेकिन भारतीय हैं। सावरकर चाहते थे कि जो भी संसद में प्रवेश करे वो जाति, धर्म, लिंग आदि को बाहर रखे। आप सावरकर से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष आदमी नहीं खोज पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली के वसंत कुंज स्थित घर पर छापेमारी की और 4,431 कारतूस समेत भारी मात्रा में करोड़ों के हथियार बरामद किए। आपको बता दें कि हाल ही में अब्बास अंसारी पर एक लाइसेंस पर ज्यादा हथियार खरीदने के आरोप में महानगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।